नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हार्मिटियन ऑपरेटर के लिए हमने थ्योरम्स के बारे में हमने पढ़ा था, और इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कम्यूटेटिव रिलेशन के बारे में। आज मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राज्य कन्या महाविद्यालय पांसवाड़ा। कम्यूटेटिव रिलेशन को है वो क्रम विनिमय संबंध कहते हैं। ये एक्चुअली हम जो भी पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस हैं, जिनके बेसिस पे क्वांटम मैकेनिक्स पूरी लिखी गई है या पूरी सॉल्व की गई है। इसको हम हिंदी में क्रम विनिमय संबंध कहते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं, पहले इसका मैथमेटिकल वर्जन देखते हैं, फिर इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं। तो मैथमेटिकल वर्जन क्या है कि इफ ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट, अगर दोनों क्या होते हैं कम्यूट, मतलब क्रम विनिमय शो करते हैं, अगर क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, और विनिमय मतलब एक्सचेंज होना, एक के बाद एक्सचेंज होते हैं दोनों। तो देखिए ए कोमा लगाया गया एक्सचेंज, ना ये आपका कैपिटल जो कोष्टक, मतलब बड़ा कोष्टक लगाया गया आपका ये, और ये आपका जो है वो कोमा लगाया गया कोमा, और ये दो ऑपरेटर कोमा लगाया गया है, स्पेसिफिक सिंबल दिया गया इनको, वो कंप्यूटर का जीरो होगा, वो क्या होगा जीरो, इसका मैथमेटिकल वर्जन है। अब इसको अपन थोड़ा सा खोल के देखते हैं, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि क्रम विनिमय मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो पहले ए और बी गुणा होंगे, ए और बी दोनों ऑपरेटर गुणा होंगे, माइनस फिर बी और ए ऑपरेटर गुणा होंगे, फिर दोनों क्या होंगे बी और ए ऑपरेटर गुणा, और दोनों का जो सबसेक्शन वो क्या होगा, अगर जीरो के बराबर होता है इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो कम्यूट कर रहे हैं, और जीरो के बराबर नहीं होता है इसका मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम एक चीज को पढ़ भी लेते हैं, अप्लाई भी करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, लेकिन हमें इनका फिजिकल मीनिंग नहीं पता होता कि एक्चुअली क्यों यूज किए जा रहे हैं, एक्चुअली कहाँ इनकी विशेष आवश्यकता पड़ी है हमको यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है कि इफ कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर इज जीरो, अगर इनका जो इन दोनों ऑपरेटर का कम्यूटेटर अगर जो है वो जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब ए गुणा बी माइनस बी गुणा ए, यानी कि पहले ए को बी से गुणा किया और बी को ए से गुणा किया, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है अगर, ठीक है, तभी जीरो होंगे ना, पर इन दोनों गुणा और इन दोनों जब बराबर आएंगे तभी जीरो होगा। तो अगर वो बराबर होते हैं इस जीरो, इट मीन इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो जीरो आते हैं इसका मतलब क्या हुआ, दे दैट यू कैन मैच साइमल्टेनियसली मेजरमेंट कोरेस्पोंडिंग ऑपरेटर, इसका मतलब क्या हुआ दोनों ऑपरेटर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आप दोनों ऑपरेटर को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आप एग्जैक्टली। और इसका अगर मैं सिंपल एक मीनिंग आपको समझाऊं, अगर तो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल की स्टेट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई एक ऑपरेटर अप्लाई किया, और मैं मान लीजिए एक ऑपरेटर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, इसके अप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर बी ऑपरेटर अप्लाई किया, तो जो ए ऑपरेटर अप्लाई करने पर भी स्टेट वैसी रही, और बी ऑपरेटर को अप्लाई करने पर भी क्या रही, स्टेट में कोई चेंजमेंट नहीं आया, मतलब कि इस ऑपरेटर के अप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ा किसको, दूसरे ऑपरेटर को। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, वो ये वाली सिचुएशन है कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो कम्यूट करते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑपरेटर क्या है, दोनों ऑपरेटर अलग अलग है और सेपरेटली वो मेजर कर सकते हैं। इसका और भी बेटर वे में आगे आपको नेक्स्ट समझाऊंगा एग्जांपल के तौर पर, फिर मैं थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। दूसरा क्या स्टेटमेंट है देखो, इफ द कम्यूटेटर ऑफ द टू ऑपरेटर इज नॉन जीरो, अगर यहां तो क्या हुआ जीरो के बराबर हुआ, अगर नॉन जीरो यानी वो जीरो के बराबर नहीं होता अगर, ठीक है, नहीं होता अगर, तो देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई, तो वहां पर क्या होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिटेल में पहले हमने पढ़ रखा है, और उसका फिजिकल मीनिंग भी हमने वहां पर उसका पढ़ा था, हम उसको यहाँ भी यूज करेंगे, हम उसको अप्लाई, एंड यू कैन नॉट मेजर वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेटर साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर इनका कम्यूटेशन जीरो नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसका जो वैल्यू है ना वो एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक। मैं दोबारा इसका नया एग्जाम्पल लेता हूँ, इस पर आपने ए ऑपरेटर अप्लाई किया अगर, तो क्या होगा इसकी स्थिति में चेंज आ जाएगा, और बी ऑपरेटर अप्लाई होगा तो क्या होगा वो चेंज हुई स्थिति में अप्लाई होगा, एग्जैक्टली उसी स्थिति अप्लाई नहीं होगा, उस स्थिति में क्या होगा वहां पर कम्यूटेटर क्या होगा नॉन जीरो के बराबर होगा। तो इसको हम और बेटर समझने के लिए हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही यूज करते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, हमारा वो ये होता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी और एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स क्या होता है आपका एक्स डायरेक्शन विस्थापन होता है, और डेल्टा पी एक्स मतलब चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर क्या होता है ये या तो इक्वल या बराबर किसके होता है एच क्रॉस अपॉन
टू के, ये अपन ने पढ़ रखा है एग्जैक्टली कि दोनों में सेम होगा तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी उनमें होगी और मिनिमम कितनी होगी, एच क्रॉस ऊपर टू होगी। और दूसरा केस में पढ़ता हूँ यहाँ पर कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई इनमें अनसर्टेनिटी कितनी होती है, जीरो होती है, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में और मोमेंटम किसमें है, वाई डायरेक्शन, तो अनसर्टेनिटी कितनी होती है आपकी, जीरो अनसर्टेनिटी होती है। तो इस प्रिंसिपल को हम कोरिलेट करते हैं इस कम्यूटेटर के साथ कि अगर कम्यूटेटर ए और बी का अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है। और अगर इन दोनों में नॉन जीरो यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं होकर के कहीं कुछ और आता है अगर, तो क्या होगा उसमें, अनसर्टेनिटी है। इसको और अपन थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इसी पूरे एग्जाम्पल को वापस ले रहा हूँ, मैं किसके लिए ले रहा हूँ, मैं एक्स और वाई के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मान लिया मैंने एक्स और ये पी एक्स, ये मैंने कम्यूटेटर ले लिया एग्जैक्टली, मतलब ए की जगह मैंने एक्स ले लिया और बी की जगह मैंने क्या किया, पी वाई ले लिया। मैं चेक करता हूँ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि दोनों में क्या आनी चाहिए, अनसर्टेनिटी आनी चाहिए। हम इसको चेक करके देखते हैं एक बार कि अप्लाई करके देखते हैं कि वो एक्चुअली होता है या नहीं होता है। तो आपको एक चीज रिमेंबर रखनी होगी, वो क्या रखनी होगी कि आपका जो एक्स होता है वो आपका एक्स ऑपरेटर में होता है और आपका जो पी एक्स जो होता है वो क्या होता है, आईटा एच क्रॉस और आपका कितना होता है, ये होता है डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, ये आपका होता है वो ऑपरेटर होता है, एक्स के लिए वो पी एक्स के लिए ये वाला ऑपरेटर होता है। इन दोनों को मैं अप्लाई करता हूँ किसके, इस डेफिनेशन से एग्जैक्टली, ठीक है। तो ए और बी यानी कि यहाँ पर होगा एक्स और आपका पी एक्स माइनस पी एक्स और आपका क्या होगा, आपका एक्स होगा। दोनों को मैं गुणा करता हूँ, पहले क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स लिखा गया है तो मैं इसको करता हूँ एक्स है आपका, ये मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर, मैंने पी एक्स क्या लिखूंगा, माइनस माइनस एच क्रॉस और आपका और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और ये एक, मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंशियल क्या हो गया, इसके बगैर डिफरेंशियल नहीं तो वहां एक मान सकता हूँ मैं। और यहाँ पे पी एक्स क्या लिखूंगा मैं, cos तक माइनस एच क्रॉस और आपका और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डॉट आपका एक्स, एग्जैक्टली आपका। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो क्या होगा, ये आपका डिफरेंशियल जैसे ही किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस आपका, एग्जैक्ट आपका माइनस के तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा एक्स क्रॉस और डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वन के बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा आयोटा एच क्रॉस। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स पी एक्स का जो ये आया है वो क्या आया है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं कि एक्स और पी एक्स कम्यूटेटर का जो आंसर आया वो कितना आया, आयोटा एच क्रॉस मेरा आया है, यानी कि ये मेरी अनसर्टेनिटी आई है एग्जैक्ट इसकी तरह, क्लियर है। लेकिन दूसरा क्या कहता है, अगर वो किसी और के साथ होगा तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, मतलब वो उसके साथ नॉन जीरो कम्यूट करेगा। ये तो क्या कर रहा है, नॉन जीरो कम्यूट कर रहा है, कम्यूट नहीं कर रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और पी एक्स को दोनों को एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे गौर कर लिखना, एक्स और पी एक्स का जो कम्यूटेटर है वो क्या है, नॉन जीरो आया है, जीरो नहीं आया, आयोटा एच क्रॉस आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें अनसर्टेनिटी आई है और इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन नॉट मेजर बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलरली ये किस किस पे अप्लाई होगा, ये y और p y के लिए भी अप्लाई होगा और ये किसके लिए होगा, p z और p z के लिए अप्लाई होगा और ये क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस होगा। क्लियर हुआ आपका, यानी कि ये आपकी अनसर्टेनिटी दिखाएगा, ये कंप्यूटर रिलेशन की तरह है। दूसरा क्या है आपका कि वो किसी दूसरे के साथ कम्यूट करे, यानी कि जीरो वाला, ये जीरो वाला। तो उसमें देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, मैं एक्स और पी वाई का एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर है। पी वाई को मैं सिमिलर वहां से ले सकता हूँ एक्स को, सिमिलरली मैं यहाँ से इसी चीज को मैं खोल के लिखता हूँ, वो लिखता हूँ एक्स पी वाई माइनस पी वाई और आपका एक्स और यहाँ पे एक्स का एक्स रह जाएगा और आपका पी वाई का क्या आएगा, ये वाला ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स होगा आपका, सॉरी वाई, जो पी वाई का ले रहे हैं ना अपन, और डॉट आपका वन होगा और माइनस और cos तक माइनस आयोटा एच क्रॉस और यहाँ पे पी वाई डेल्टा वाई आएगा, ठीक है, डी बाई डेल्टा वाई और डॉट में एक्स, क्लियर है आपका।
और जब ये वन का होगा तो जीरो हो जाएगा, और जब ये वाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स पी वाई का कम्यूट क्या है, जीरो है। आप सॉल्व करके देखना आराम से इसको, पेशेंस लिए इसको। तो यानी कि ये दोनों में क्या रहा है, कम्यूट कर रहा है, मतलब एक्स और पी वाई कम्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो यानी कि जो आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था ना, उसी को ही मैथमेटिकली इन्होंने इस फॉर्म में अप्लाई किया, जिसे कम्यूटेटर रिलेशंस कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं तो क्या होगा कि जो आपका एक्स का है वो पी जेड के साथ भी क्या होगा, जीरो होगा। एग्जैक्ट है, क्योंकि उसमें दोनों में क्या रहा है, अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। और सिमिलरली इस प्रकार वाई का पी एक्स के साथ, और सिमिलरली आपका जो वाई का है वो पी जेड के साथ, पी वाई को छोड़ के, ठीक है। और सिमिलरली आपका जो है वो जेड का पी एक्स के साथ, और लास्ट में आपका जेड का पी वाई के साथ, ये सब क्या आएंगे, जीरो। इनमें कोई अनसर्टेनिटी यहाँ पर मौजूद नहीं मिलेगी। तो आपने देखा कि इसका जो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका कि कम्यूटेटर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अब हम थोड़ा सा कम्यूटेटर की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग रीड करते हैं, इसके बारे में कि इस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी। तो इसकी प्रॉपर्टीज के लिए मैं कहूँ अगर, तो जो है वो ए कम्यूट बी प्लस सी, अगर मैंने ऐसा लिख दिया अगर मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा, ये किस प्रकार सॉल्व होगा, एग्जैक्टली किस प्रकार सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा आपका कि ए कम्यूट आपका बी प्लस आपका ए कम्यूट आपका सी, इस प्रकार लीनियरली फॉर्म में ये क्या हुआ, खुल जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और लेता हूं मैं यहां पर, वो प्रॉपर्टी ये है ए और यहां पर मैं कम्यूट बी, ये क्या होगा, ये इसको मैं इस प्रकार लिखता हूं बी और कम्यूट ए, यानी कि रिवर्स करके लिखूंगा। अगर दोनों को मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स करके लिखूंगा, तो क्या होगा, माइनस का सिंबल आएगा। क्या आएगा आपका, रिमेंबर रखना आपको यहां पर क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। और मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिखता हूं इसकी कि अगर मैं इसको ए और यहां पर बी और सी दोनों क्या है, गुणा में है, दोनों में क्या है, गुणा में है, तो कम्यूट को कैसे मैं अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई करूंगा मैं यहां पर, देखिए मैं इस बी को क्या करूंगा, बाहर लूंगा और ए और सी को मैं कम्यूट कराऊंगा, ए और सी को मैं कम्यूट कराऊंगा, ठीक है। बी को बाहर लिया मैंने और ए और सी को मैंने कम्यूट कराया, और प्लस आपका मैं क्या करूंगा, एक बार सी को बाहर लूंगा, सी को बाहर लूंगा और ए और बी को कम्यूट कराऊंगा, ए और बी को मैं कम्यूट कराऊंगा। एग्जैक्ट समझाइए आपको एक चीज, आपको कि इसको सॉल्व कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्व करने के लिए। और फाइनल आपकी जो एक प्रॉपर्टी रही है वो ये रही है, जिसे साइक्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं या परमोटेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे कहते हैं वो ये होता है कि ए कम्यूट बी कम्यूट सी, मतलब कि एक साइक्लिक फॉर्म में चल रही है, मतलब साइकिल है, ठीक है। फिर यहां पर बी आ जाएगा आपका, वो आएगा बी आएगा आपका, और फिर यहां पर सी और आपका ये ए आ जाएगा। क्लियर होता है आपका, पहले ए बी सी था, फिर ये बी इधर आ गया और आपका ए उधर चला जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका इस बार क्या सी यहां आ जाएगा आपका, सी और आपका ए और ये बी, और ये बराबर क्या होता है, जीरो। इसे साइक्लिक कम्यूट प्रॉपर्टी कहते हैं। ये चार प्रॉपर्टियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं आपके चारों विचारों। अब देखो, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसका यूज हम करते हैं, जिसके बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज होता है, वो दो ही पर्पज होते हैं। एक तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे मैथमेटिकल नहीं, उसका फिजिकल मीनिंग हम बताएं, और दूसरा उसका एप्लीकेशन पार्ट, जो हम वहां पर एग्जाम्स में या फिर हमारे रियल लाइफ में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्थिति और संवेग में किया था हमने। हम यहाँ पर करेंगे वो क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम में करेंगे। इसमें करेंगे एंगुलर मोमेंटम में करेंगे। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम, जो आपका एल होता है वो एल कैपिटल लिखते हैं हमेशा। इसे अपन क्या लिखते हैं, आर क्रॉस पी लिखते हैं। क्लियर है आपको, आपको रिमेंबर होगा। यहाँ आर क्या है, स्थिति से है, जो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, और यहाँ मोमेंटम से पी से, जो पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी हो सकता है। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार लिखूंगा, आई जे के, और यहाँ पे आर, आर क्या आपका एक्स वाई जेड है आपका, तो ये आपका एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड, और ये आर जो है आपका वो क्या है, आपका सॉरी पी जो है वो क्या, मोमेंटम है।
माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ मोमेंटम कौन सा पार्ट आएगा, पी एक्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा ना पी एक्स वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पी वाई वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पी वाई वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा पी जेड वाला पार्ट आएगा। इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। और L जो एक्चुअली होता है ना, वो L एक्चुअली क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म होता है किसका, L हमेशा होता है, L होता है L x i प्लस L y j प्लस L z और k। इस प्रकार L को क्या होता है, हमेशा लिखा जाता है, यानी कि L क्या होता है, तीनों कंपोनेंट का होता है। तो अपन क्या करते हैं कि हम हमेशा करते हैं इसका i कंपोनेंट जब निकालते हैं मैट्रिक्स में, हम जब इसका i कंपोनेंट जब निकालते हैं तो वो कौन सा कंपोनेंट निकाल रहे होते हैं, हम उसका lx कंपोनेंट निकाल रहे होते हैं। मैं यहां निकाल देता हूं आपके लिए, जैसे मैं यहां पे lx कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो क्या निकाल रहा हूं, i का कंपोनेंट निकाल रहा हूं मैं यहां पे। वो कैसे निकाल रहा हूं कि i के कंपोनेंट को दबा लीजिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये दब जाएगा आपका और ये बचेंगे आपके दो पार्ट, ये वाले बचेंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट को मैं वर्ग गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस आपका, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा वाई और डी बाई डेल्टा जेड माइनस आपका जेड डी बाई डेल्टा वाई, ये आपका क्या है, ये आपका एल एक्स का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली इस प्रकार, क्योंकि आई कंपोनेंट किसका पार्ट आएगा, एल एक्स का पार्ट देगा, सिमिलरली मैं एल वाई का पार्ट निकालता हूं, ठीक है, एल वाई का पार्ट क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई में क्या होगा, सॉरी हाँ ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें जे का पार्ट आएगा, और जे क्या, जे का माइनस का होता है, प्लस ही माइनस और ये प्लस होता है, तो माइनस का पार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस का सिन आएगा, पर उसको हम चेंज ना करके हम इन्हीं को चेंज कर देते हैं इंटरचेंज, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं जब यहाँ से इसको हिडन कर लूंगा, इसको हिडन कर लूंगा तो क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह होने की वजह से क्या होगा, इसको गुणा करके पहले लिखूंगा मैं यहाँ, क्लियर हुआ। तो मैं लिखूंगा जेड डी बाई डेल्टा एक्स माइनस आपका एक्स डी बाई डेल्टा जेड, ये आपका क्या होगा, ये आपका एल वाई का पार्ट हो गया। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूँ, आपका एल जेड का पार्ट निकाल सकता हूँ, वो भी क्या आएगा, एल जेड पार्ट, ये छुपा लीजिए और ये छुपा लीजिए, ये बस क्या, बस क्या, ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस आपका, और ये क्या होगा आपका वाई, सॉरी वाई, सॉरी आपका एक्स आएगा पहला, ठीक है, एक्स और आपका डी बाई डेल्टा वाई और माइनस आपका वाई डी बाई डेल्टा एक्स जेड। तो ये जो हमारे कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली इससे यहां पर बनते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल है, आने वाले हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनके एग्जांपल्स को लेकर के हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।